के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इनकी वाजपेयी। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे किसी की तरह की राहत देने से मना कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु की सरकारों को नोटिस जारी करके इस मामले में उनका जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय करोल की पीठ ने याचिका की आगे की सुनवाई 21 अप्रैल की तारीख मुकर्र की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और बिहार के अलावा केंद्र सरकार से भी एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी हैं। बता दें मनीष पर बिहार में 3 और तमिलनाडु में 2 केस दर्ज हैं। मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में इन सभी मामलों को एक साथ मर्ज करने की और जमानत देने की अपील की थी। कोर्ट ने आज इस मामले में कोई भी फैसला नहीं सुनाया। अदालत ने इस मामले में पहले केंद्र, बिहार और तमिलनाडु की सरकारों का जवाब भी मांगा है। अब अगली सुनवाई आपको बता दें 21 अप्रैल को होगी। मनीष पर तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप हैं। इस केस में उन पर बिहार और तमिलनाडु में मुकदमा भी दर्ज है। उन पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप भी लगाया गया है। आपको बता दें उन्होंने 18 मार्च को आत्मसमर्पण किया था, तब से वह न्यायिक हिरासत में है। इस वक्त वह तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में है। तमिलनाडु पुलिस ने उन पर NSA भी लगाया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। बता दें बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें किसी भी प्रकार की राहत देने से मना कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु की सरकारों को नोटिस जारी करके इस मामले में उनका जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय करोल की पीठ ने याचिका की आगे की सुनवाई 21 अप्रैल की तारीख मुकर्र की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और बिहार के अलावा केंद्र सरकार से भी एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की ओर कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी हैं। एक बार फिर से बता दें मनीष पर बिहार में 3 और तमिलनाडु में 2 केस दर्ज हैं। मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में इन सभी मामलों को एक साथ मर्ज करने की जमानत देने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने आज इस मामले में कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। अदालत ने इस मामले में पहले केंद्र, बिहार और तमिलनाडु की सरकारों का जवाब मांगा है। अब जो उनकी अगली सुनवाई होगी वो होगी 21 अप्रैल को। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ DND न्यूज चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।